기도하겠습니다. 예. 아이함 두아 그래. 하나님 감사합니다. 야 쿠다함 따라 슈크르 카르테. 이 흑암의 세상 가운데 우리를 전도자로 불러 주시니 감사합니다. 또 쿠다함네 투니 함에 이스 안데르 나그리 메 한데리 두니야 메 아프네 무바시르 반네 키 타피크 타키 따라 슈크르 카르테. 이 전도자의 축복은 영원한 축복임을 알기 원합니다. और हम चाहते हैं कि एवेंजलिस्ट की जो मुबशर की बरकत है वो हमेशा की बरकत जानने की तौफीक दे। 전도 또한 전도와 선교는 우리 주님이신 예수 그리스도의 명령입니다. क्योंकि ये मिशन और एवेंजलिज्म ये मसीह यीशु का हुक्म है। 순종하는 제자가 되게 하여 주시옵소서. और हमें अच्छे और नरम दिल जो है वो शिगिर्द बनने की तौफीक दे। 전도할 수 있는 그 말씀으로 무장하게 하여 주시옵소서. और खुदावंद जो कमियां हैं वो खुदावंद कलाम के जरिए पूरी करने की तौफीक अता हमसां गिदोरो क्यो संग्योरो छुमानागे हायो जुशिओप्सोसो ताकि दुआ के जरिए इन चीजों को जाने और साथ-साथ हमें पाकरू की ममूरी अता का यीशु क्रिस्त के नाम में गंजली गिदोआमिदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन 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 और बांगासुमिदा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई भाई 이 시간에는 제가 듣기로는 전도학교라고 저는 들었습니다. 예, मुझे पता चला कि आपके जो है वो evangelism school है. 예수님께서도 제자들을 12명을 제자들을 부르셨죠. 예, 무슨 예수네 비 아프네 12 시그르도코 चुना था. 그리고 예수님께서는 예수님이 십자가에 죽으시고 이 땅에 계시지 못할 것을 아셨기 때문에 제자들을 가르치셨습니다. और इसके बाद कि जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए वो मरे जी उठे और चले गए उसके बाद उन्होंने शिगिर्दों को ये हुक्म दिया कि वो जाके इस कलाम की मनादी करें और उन शिगिर्दों ने ही दुनिया में इधर-उधर जाकर ये मनादी की फिर यीशु ने हमके 제자들을 데리고 다니시면서 여러 현장을 보게 하셨죠 तो हम देखते हैं कि जब यीशु अपने शिगिर्दों के साथ इधर घूमते थे तो वो अपने फील्ड में भी उनको लेकर जाते ताकि वो सब कुछ देखें 예수님께서 전도하시는 현장은 너무나 흑암이 가득한 현장이었습니다. 또 무슨 예수 지스 필드에 जाते थे वहां स्थान का अंधेरा होता था. 우리가 성경을 보면은 복음 없는 그 유대인들이 여러 가지 문제 속에 있는 것을 알 수 있었어요. 또 अगर हम बाइबल को पढ़े तो हमें पता चलता है कि जिनके पास गॉस्पेल नहीं थी यहूदियों के पास वो मसीह के बगैर किन मुश्किलात में रहते थे. 하나님을 믿는다고 했지만 제대로 알지 하나님을 제대로 알지 못하고 제대로 믿지 못했기 때문에 수많은 문제가 그들에게 있었어요. 예, उनको पता था खुदा का लेकिन उनका ईमान जो मसीह पर मजबूत नहीं था खुदा पर मजबूत नहीं था इसलिए उस ना प्रमाण उस ईमान की कमी के वसीला से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. 그래서 예수님께서는 제자들과 함께 그 많은 사람들에게 하나님의 나라의 복음을 증거하셨습니다. और उन लोगों के सामने खुदा मसीह यीशु ने खुदा की बादशाही की बातें उनसे की ये बुगुमल 증거할 때에 악한 귀신들이 떠나가는 역사가 일어났고 수많은 불치병들이 치유되는 역사가 일어났어요. तो हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु खिदमत के लिए जाते तो बहुत सारी बदरुएं चलाकर निकल जाती थी और बहुत सारे जो मफलूज लंगड़े जो थे वो ठीक किए गए थे. 심지어는 죽은 자도 살아나는 역사를 제자들은 봤습니다. और मसीह के शिगिर्दों ने ये तमाम बातें जो थी वो देखी हुई थी अपनी आंखों के साथ. 여러분, 전도라는 것은 하나님과 함께하는 축복입니다. कि एवेंजेलिज्म जो है वो है मसीह यीशु के साथ इकट्ठे रहना. 전도라는 것은 절대 내가 앉아서 할 수 있는 것이 아니라 우리는 나가서 현장 가운데 사람들을 만날 때에 성령이 역사하시는 거예요. एवेंजेलिज्म जो है वो घर में बैठ के नहीं करनी हमें फील्ड में जाकर पाक रूह के जरिए जो मनादी लोगों में करनी है. 여러분들이 이 전도 학교에서 그냥 말씀을 듣는 것으로 배우는 것으로 공부하는 것으로 끝나면은 그거는 하나님이 기뻐하지 않습니다. कि अगर हम सिर्फ इस एवेंजेलिज्म को सीखें पढ़ें और इसको इस्तेमाल ना करें फील्ड में जाएं ना जाएं तो खुदा इससे खुश नहीं होता. 저도 신학교를 다녔어요. मैं भी सेमिनरी में स्टूडेंट रहा हूं. 신학교를 다니면 한국에서는 7년간을 공부를 해야 됩니다. 7년간. तो कोरिया में तकरीबन सेमिनरी की जो स्टडी है वो 7 साल रहनी चाहिए. 여러 가지 신학적인 책도 봐야 되고 시험도 봐야 되고 할게참 많아요.
आपको स्टडी भी करनी है, उसके बाद आपको पेपर भी देने हैं, फिर उसके बाद इम्तिहान भी, और बहुत सी चीजें हैं 7 साल में जो आपको करनी है।그러나 여러분들 신학 공부를 아무리 잘한다고 해서 하나님이 기뻐하시는 전도를 잘할 수 있는 건 아닙니다. तो अगर आप इवेंजलिज्म नहीं करते, आप सिर्फ स्टडी करते जाते हैं, तो इससे भी खुदा खुश नहीं होता।우리가 공부를 한다는 것은 하나님을 안다는 거예요. कि स्टडी करना क्या है, खुदा को जानना है।하나님을 알기 때문에 내가 그주 하나님이 원하시는 그 전도의 삶을 살아갈 수 있습니다. तो खुदा को जानने से ही जब हम पढ़ते हैं, तो हम अपनी एवेंजलिस्ट की एक जिंदगी कलाम के मुताबिक बसर कर सकते हैं।여러분들이 한주 동안 많은 목사님을 통해 많은 말씀을 들으실 수 있습니다. तो आप मेरे लिए बहुत सारे खादमों के जरिए, पास्टर्स के जरिए जो है वो खुदा का कलाम सुनते रहते हैं।그러나 여러분들 절대 듣는 것으로, 공부하는 것으로 끝나시면 안 됩니다. ये नहीं है कि सिर्फ आपने सुनना है और पढ़ना है और बस आपका काम खत्म। 여러분들이 이 말씀을 들었다면, 공부를 했다면 이 말씀을 가지고 현장에 나가셔야 돼요. तो हमें इस कलाम को सुनकर हमें फील्ड में जाना चाहिए इसका तजर्बा करने के लिए।하나님이 구원하길 원하시는 그 사람들을 만나셔야 됩니다. 또 हमें उन लोगों को जो बाहर इंतजार कर रहे हैं उनका मिलाप खुदा से करवाना चाहिए।그리고 구원받을 수밖에 없, 구원하시기 작정하신 그 많은 사람들에게 복음을 증거하셔야 됩니다. तो हमें इस कलाम की खुशखबरी है तमाम उन लोगों के साथ जो चाहते हैं, जो खुदा ने मुकर उनको उन तक ये खुशखबरी पहुंचानी चाहिए।그러니까 여러분들이 공부하려고 하나님 만나는 거예요. तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं ताकि ये कलाम दूसरों तक पहुंचाया जाए। 여러분, 저도 이 신학교를 다니면서 전도를 많이 했습니다. मैं जब सेमिनरी में우리 पढ़ता था, मैं भी박사님. इवेंचुअली बहुत करता था। 지하철, 우리 한국에는 지하철이 있는데 지하철에도 소리치면서 막 전도했어요. तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक छोटी ट्रेन मेट्रो चलती है, जो लोकल ट्रेन है, तो उसमें मैं चढ़कर आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ यीशु की मुनादी करता था।길거리를 다니면서 사람들에게도 예수 믿으라고 전도했어. तो मैं सड़कों पे भी आते जाते लोगों को पंफलेट देता था, उनसे कहता था कि यीशु पर ईमान लाओ।학교 앞에서도 아이들을 만나면서 전도했어. तो मैं स्कूलों के सामने जाके खड़ा होता था और बच्चों को मसीह यीशु पर ईमान लाने के लिए कहता था, एवेंजलिज्म करता था।여러분, 특별히 이 시간은 전도 학교이기 때문에 제가 이런 말씀을 드리는 겁니다. तो मैं ये खास तौर पर एवेंजलिज्म स्कूल के लिए इस वक्त ये बात ये पैगाम आपको देना चाहता हूं।절대 말씀을 듣는 것으로, 아는 것으로 그치지 마시고 행동하시기를 그리스도 이름으로 축복합니다. 그 खुदा आपको बरकत ता करे, ताकि आप सिर्फ सुने और देखे नहीं, बल्कि इसको जाकर फील्ड में इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा सके।여러분, 전도가 무엇인가요? ये एवेंजेलिज्म है क्या, मुनादी क्या है, वे 전도를 해야 돼요? क्यों हमें प्रचार जो है वो करना है,뭐 때문에 전도해야 되는 거예요? किसके लिए प्रचार करना है।우리는 그거를 알아야 돼요. हमें इस चीज को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। 여러분, 우리는 전 세계적으로 아프가니스탄의 문제를 잘 알고 있어요. तो अब इस दुनिया में हम और ताब जो सारी दुनिया अफगानिस्तान के मसले को जानती है,저는 그 아프가니스탄을 보면서 굉장히 마음이 아픕니다. 그 जब मुझे अफगानिस्तान के बारे में मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है아프가니스탄과 한국은 굉장히 먼 거리에 있어요. कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कोरिया का आपस में काफी जो है फासला है।그럼에도 불구하고 그들을 생각하면 마음이 아프고 기도가 됩니다. तो लेकिन मुझे जब उनके मैंने हालात को सुना, देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अब उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं।여성들과 어린 아이들이 고통받는 걸 보면 너무나 마음이 아파요. जब मैं औरतों को और खास तौर पर छोटी बच्चियों को देखता हूं, तो मुझे बड़ा दुख होता है।그런데 그들이 왜 그런 고통과 어려움 속에 있을 수밖에 없는가를 우리는 알아야 되는 거예요. तो वो क्यों इस वक्त जो है वो मुश्किल में है, दुखों में है, हमें इस चीज को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। 과연 그 고통과 그 어려움 가운데 어떻게 그들을 구원할 수 있는가를 우리는 알아야 돼요. तो हमें ये भी जानना चाहिए कि उन लोगों को इन दुखों से, तकलीफों से हमें किस तरह निजात देनी है, किस तरह वहां से निकालना है।물론 아프가니스탄의 난민들을 뭐 우리 나라로 받아주는 수도 있죠. तो जो वहां के रेफ्यूजी है, महाजर है, हम उनको अपने मुल्क में भी बुला सकते हैं।
또한 물질과 먹을 것으로도 그들을 도와줄 수도 있어요. तो उनको पैसे भी या उनके खाने पीने के भी यहाँ से कुछ बेच सकते हैं। 그러나 그것으로는 그들을 구원할 수 있는 게 아닙니다. लेकिन ये उनकी निजात के लिए चीजें ना काफी हैं। 전 세계 수많은 가난한 사람들, 기근과 지진과 수많은 고통 속에 사는 사람들이 전 세계에 너무너무 많습니다. कि अगर आप देखें दुनिया में भूख गरीब लोग प्यासे लोग बहुत क्या उसे कहते हैं गरीबी में जिंदगी बसर करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। 수많은 테러가 일어나고 또한 전쟁 가운데 수많은 사람들이 고통받고 죽어가는 사람이 너무나 많아요. तो जो लोग टेररिज्म में भूख के सबब से मुख्तलिफ तरीकों से जो लोग मर रहे हैं बहुत ज्यादा है। 그런데 왜 그들이 그렇게 고통받을 수밖에 없는가? 또한 그들을 어떻게 구원할 수 있는가? 이것을 우리는 알아야 된다는 거예요. तो उन लोगों की किस तरह हमने जिंदगी बचानी है किस तरह उन पर ये मुश्किलें आई हैं उनको इस कहां से दुखों से निजात देनी है ये हमें जानना जरूरी है हमारे लिए 여러분 바로 그 구원할 수 있는 길이 성경에 기록되어 있습니다. और वो निजात की राह जिस निजात से हमने उनको बचाना है वो राह बाइबल में लिखी हुई है 지금 저와 처음 만나신 분도 계시고 또 저를 통해 말씀을 들으신 분도 계신 걸로 저는 알고 있습니다. तो मैं जानता हूं कि काफी लोग मुझे जानते भी हैं और मेरा कलाम भी सुना हुआ है। 그러나 오늘 말씀은 한 번쯤은 다 들어볼 수도 있고 처음 들어볼 수도 있습니다. तो आपने बार-बार भी सुना है तो कोई बात नहीं पहली दफा भी मेरा कलाम सुन रहे हैं तो आपको मजा आएगा सुनने का। 오늘의 말씀의 제목은 절대적 구원의 길을 알자라는 뜻입니다. तो आज है कि सच्ची निजात की राह को जानना। 여러분 절대적인 구원의 길입니다. ये है मुनफरेद और सच्ची राह मुझे सारामल दोनरो मुसन मो मुल्चिलो मो योरो गाजीरो दोआजुनन क्रम गुओनी आनिरा जल्टेजोगिन गुंजिलजोगिन गुओने किरिरान गो और ये पैसों के जरिए किसी खाने पीने के जरिए नहीं है ये सच्ची निजात की राह सिर्फ कलाम के मुताबिक ही जानी जा सकती है योहान्नबुकम 14장 6절에 보시면은 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다라고 말씀하세요 अगर हम योहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6वीं आयत देखें तो मसीह यीशु वहां पर क्या कहता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता गिरिराने को बोलकायो गिरिराने को बोलकायो तो आपको पता है कि राह क्या है तो इंसान ही गुओन बदल सु इन गिरिराने के निजात हासिल करने के लिए जो राह है वो राह की बात कर रहे हैं 세상 사람들은 자신을 구원할 것이 돈이라고 생각하고 명예라고 생각하고 권세라고 생각하는 사람이 많습니다. 뭐 सारे लोग समझते हैं कि जी निजात हासिल करना हमारे हमें अख्तियार मिलता है हमारी शिनाखत है पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं. 그러나 인간의 고통을 돈으로 구원할 수 없습니다. लेकिन मेरे अजीजों आप इस जिंदगी के दुखों में पैसे के जरिए आप इससे निकल नहीं सकते. 어떤 명예와 권세를 가졌다고 해서 그 사람을 구원할 수 없다는 거예요. आपके पास जो मर्जी इख्तियार हो आप जिस मर्जी बड़े किसी अमीर आदमी के फर्जंद हो बच्चे हो लेकिन आप इन मुश्किलों से निकल नहीं सकते. 오직 예수님께서만 내가 길이다 내가 구원의 길이다라고 말씀하세요. जबकि यीशु सिर्फ कहता है कि मैं रास्ता हूं मैं ही निजात का राह हूं. 또한 예수님은 내가 진리다라고 말씀하세요. और मसीह यीशु यही कहते हैं कि मैं हक हूं सच्चाई हूं. 진리라는 것은 내가 곧 진짜라는 거예요. 예, इसका मतलब है कि खुदा ही सब कुछ है वो ही सच्चाई है और कोई नहीं. 수많은 종교가 있죠. तो हम देखते हैं कि बाहर लोग बहुत सारे लोग हैं. 불교도 있고 이슬람교도 있고 유교도 있고 수많은 무슨 신앙들도 많아요. अब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास हिंदू हिंदुइज्म है इस्लामिज्म है उसके बाद और बुद्धाइज्म है बहुत सारे मजहब दुनिया में है. अलेक्स मोसानी 죄송한데 음소거 좀 다 시켜 달라고 좀 부탁드릴게요. 에 잠깐만요. 나도 저거 ये हेलो ये अमरेश वो अपना ये कैमरा बंद कर दिया चलो ठीक है ये अच्छा किया आप ये था तो ने 감사합니다. 그러니까 세상의 수많은 우상들, 종교는 구원의 길, 길도 아니고 진짜도 아니라는 겁니다. 세상에 बहुत सारे मजाहिब हैं लेकिन वो निजात तो नहीं उनमें आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. ये भैया माइक अपना भैया बंद कर दो आप ना वो हमें सुनाई नहीं देता.
अमरेश चंगा अमरेश अमरेश कुमार जे अपना माइक बंद करो यार माइक बंद कर दे ओके लोग जो है तमाम इन चीजों में फंसे हुए हैं मजबू में 여러분 누군가에게 내가 사기를 당했다고 생각해 보세요. 또 대개 아그 내가 किसी के साथ को धोखा करता हूं. 얼마나 화가 나고 얼마나 불합니까? 또 आप सोचेंगे जब आपके साथ कितने लोग मैं किसी के साथ धोखा करता हूं मेरे साथ लोग बहुत नाराज होंगे मुझ पर बहुत गुस्सा में होंगे. 그런데 나의 영혼이 사기당하고 속는다. 그것만큼 분하고 억울한 게 어디 있습니까? तो मुझे आप बताएं जो आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा है जो आपकी आने वाली जिंदगी के साथ खेल रहा है आप उसके साथ कोई बात भी नहीं करते गुस्सा भी नहीं करते तो इस वक्त तमाम जो लोग हैं इसी मुश्किल में गिरे हुए हैं कि मसीह यीशु के अलावा और किसी में सच्चाई नहीं और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हमेशा की जिंदगी हूं मोदन इंगान जेल गाजिको इसमी तमाम जो लोग हैं वो गुनाहों में गिरे हुए वो पैदा होते ही गुनाहों की दलदल में है तो लिखा हुआ है कि कलाम में कि ये गुनाह कैसे आया और मरकर हमने किस तरह जमीन में वापस जाना है कि गुनाह की मजदूरी मौत है युक्षिने सामा 또한 계시록에 보면은 둘째 사망이라고 나옵니다. 그 이해도 이해도 두니아비 모트. 아, 그럼 마카시파 빠레 또 뭐가 쓰여 있어요? 두스리 모트 비 아이기. 둘째 사망이라는 것은 영혼이 있는 인간이 영원한 죽음에서 고통받는 것이라는 거. 어제 두스리 모트 조에 뭐 함에샹에 리에 조 쿠다세 두라 뭐 도석메 자잉게. 그러나 예수님은 내가 곧 생명이다라고 말씀하세요. 어 이슬리에 무슨 예수님 그 할게 매 진득이 훔. 영원한 생명을 줄 수 있는 그분이 바로 예수 그리스도라는 और जो हमेशा की जिंदगी देता है वो मसीह यीशु के अलावा और कोई नहीं है। 그렇기 때문에 우리는 예수 그리스도를 믿고 있는 것이고 예수 그리스도를 알아야 되고 예수 그리스도를 증거해야 되는 거예요. तो इसलिए हम मसीह यीशु को जानते हैं मसीह पर ईमान रखते हैं और इसी मसीह यीशु की गवाही दूसरों तक पहुंचाते हैं। 여러분 그 예수 그리스도가 절대적 구원의 길이라는 걸 여러분들은 아셔야 돼요. तो आपको मुकम्मल तौर पर यह बात जानने की जरूरी है कि वो ही हमारी मुनफरद और नजात की सच्ची राह है अगर हम जब हम लोगों से मिलते हैं तो आप हो सकता है वो बुत जो मूर्तियों की पूजा करते हैं आप उनसे मुलाकात हो जाए तो आप हो सकता है कि वो जो गरीबी में मुबतला है उन लोगों से तो आपकी मुलाकात हो जाए 또한 질병으로 고통받는 사람도 있어요. 또 혹시나 저 비마르 운 로고세 아프기 물아가도 하죠. 또한 정신 문제와 생활 문제로 고통받는 사람들이 있어요. 또 उसमें सेनी मरीज भी हो सकते हैं कोई रूहानी मरीज भी हो सकता है बहुत सारे किस्म के ऐसे बीमार लोग हैं जिनसे खुदा आपकी मुलाकात करवा सकता है. 여러분 그들의 모든 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도라는 거예요. कि उन तमाम लोगों के मसाइल करने वाला हल करने वाला एक ही है वो कौन है वो मसीह यीशु है और ये है सच्चाई ये है हमेशा की सच्चाई कि अगर सोचे कि हमारे सामने एक आदमी मर रहा है लेकिन उस बीमार को ठीक करने के लिए मेरे पास एक दवाई है कि इस दवा को उसको खिलाने से मैं उसको और मुझे पता भी है कि अगर मैं ये दवाई इस मरीज को दूंगा ये बच जाएगा कि वो सिर्फ इस दवाई से खाने से ही वो बच सकता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए इगोर 알려줘야 되겠죠 तो मुझे उसको ये बताना है ये 약을 먹으면 산다고 얘기해 줘야 되겠죠 तो मुझे उसको बताना है कि ये दवाई तुम खाओगे तो बच जाओगे 그리고 이 약을 제발 먹고 살아나라고 얘기해야 되겠죠
तो मुझे बताया चाहिए कि ये दवाई खाने से तुम जिंदा रह सकते हो.여러분, 이게 바로 전도라는 거예요. और ये है एवेंजेलिज्म. 물론 그 사람이 이 약을 안 먹는다고 거부할 수 있습니다. 예, अगर वो कहता जी मैं डरता हूं जी मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा. 그럼에도 불구하고 우리는 얘기해야 돼. लेकिन फिर भी आपको बार-बार उसको ये चीज बतानी है. 그게 주님이 원하시는 것이기 때문입니다. और ये क्योंकि खुदा चाहता है कि हम ये लोग बता उसको ये बताएं हमें मसीह के हुक्म के मुताबिक बार-बार उसे बताना है. 여러분, 하나님께서는 인간을 창조하셨어요. तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी को या हमें किसने पैदा किया या बनाया है? खुदा ने. 창세기 1장 아주 잘 나오고 있습니다. और ये बाइबल में बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है. 그러나 하나님께서는 이 세상을 창조하실 때에 그냥 창조하신 것이 아닙니다. 예, 에세이 예. 구단이 이 돈이야 나이 분야이야. 그냥 하나님 마음대로 막 만드시고 막 이렇게 막 불규칙하게 무질서하게 만드신 게 아니라. 어나이 구단이 곧 절디 세 다바다 아르치제 분야디야. 하나님은 이 세상을 질서 있게 창조하셨습니다. 어 구단이 이스코 빠레 에익 무나즘 트리케세 이스 돈이야 고 푸리 고 분야야. 여러분, 그러나 이 질서 안에 그 질서 안에 창조물들이 살아갈 때 행복할 수 있는 거죠. और अगर आप उसमें रहेंगे जो खुदा ने हमें बरकत दी है तो फिर ही हम खुश रह सकते हैं. 여러분, 여러분 반드시 기억하셔야 됩니다. 하나님은 창조의 하나님이십니다. 아무고 ये बात याद रखनी है कि इस दुनिया का बनाने वाला खलक करने वाला पैदा करने वाला सिर्फ खुदा है. 여러분, 많은 종교에도 다 자기들만의 책이 있어요. तो अगर हम देखें तो तमाम मज़ाहिब में उनके अपने देवता उनके अपने लोग. 네, 모든 종교의 그 신들은 자신이 이 세상을 창조했다는 신은 없습니다. लेकिन मेरे जीसो उन तमाम देवताओं में इस दुनिया को बनाने वाला देवता नहीं है. 오직 성경에만 우리 하나님께서 이 세상을 창조하셨다라고 창세기 1장 1절에 말씀하고 있어요. लेकिन अगर हम देखें तो पदाश पहला बाप पहली आयत में ये क्या लिखा है कि खुदा ने इस दुनिया को खलक किया पैदा किया. 여러분, 하나님은 우리가 살고 있는 지구만 창조하신 것이 아니라 정말 우주 만물 모든 것을 창조하셨어요. 예, 이니야 그 세례 하나님 हमें पैदा किया हमारी जमीन को बल्कि तमाम आसमान और जमीन जो कुछ इसमें है खुदा ने उसको पैदा किया बनाया है. 여러분, 이 우주가 얼마나 큰지 여러분들 아십니까? तो आपको पता है कि ये जो फजा है ये आसमान कितने गहरे कितने बड़े हैं. 여러분, 많은 천문학자들이 지금 우주를 조사하고 있지만은 그 끝을 아직도 알 수가 없다고 합니다. 이제 사이언스맨은 뭐 देख रहे हैं लेकिन इसकी आखिर तक ये कहां तक है इसको नहीं जान सके. 여러분, 이 우주가 얼마나 큰지 제가 잠시 좀 말씀을 드리겠습니다. तो इसीलिए हमें इस दुनिया का कितनी बड़ी है कुछ इल्म नहीं है. 여러분, 우리가 살고 있는 곳은 지구죠, 지구. तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इस इलाके में. 그리고 우리 지구는 태양을 중심으로 지금 돌고 있습니다. तो हम देखते हैं कि हम जो है किस जिस दुनिया में जमीन पर रह रहे हैं ये लगाने से ही ऐसे घूम रही है और चल रही है. 근데 이 태양을 중심으로 돌고 있는 행성이 우리 지구만 있는 것이 아니라 토성이든 목성이든 여러 가지 행성이 돌고 있어요. तो हम देखते हैं कि ये जो सूरज के गिर्द घूमती है और दिन रात चलते हैं इसके अलावा हमें कोई पता नहीं कि जिंदगी कैसे चल रही है इसका भी नहीं पता. सिर्फ हमें एक चीज का इल्म है. 여러분, 근데 이 태양을 돌고 있는 지구 이것을 우리는 태양계라고 얘기합니다. 태양계. तो हम इसको क्या कहते हैं जो सूरज के गिर्द घूमती है ये इस दुनिया की हम बात कर रहे हैं जिस पर हम इस प्लैनेट पर रह रहे हैं. 근데 여러분들 우주에는 이 태양계가 수천억 개가 있다고 해요. तो हम समझते हैं कि इस तरह के और भी सूरज है. 근데 이 태양계가 수천 개에 모인 집단을 은하계라고도 얘기합니다. तो हम देखते हैं कि इसके अलावा एक और जो एक चीज है जिसके अंदर आसमानों में जो हमें पता नहीं है. 여러분들, 근데 이 은하계도 전 우주에 몇억 개가 있다고 그렇게 천문학자는 얘기해요. 또 얘 भी कहते हैं कि इस तरह के जो सितारे हैं ये कितने हमें कोई पता नहीं है. हजारों में है, सौ में है, कितने हमें नहीं पता है.
여러분 그 초문업자가 우리가 얼마나 그 행성들이 많은지를 이해하기 쉽게 이렇게 얘기했습니다. तो ये जो साइंटिस्ट है जो इस चीजों को देखते हैं वो इस सियारों के बारे में और क्या कहते हैं? 여러분 전 세계의 바닷가에 모래사장이 되게 많죠. तो हम देखते हैं कि समुद्र भी है समुद्र के साथ खुश्क जमीन भी है 여러분 그 전 세계 바닷가에 모래사장에 있는 모래 알갱이의 개수가 우주 만물 우주에 있는 모든 행성들의 개수와 똑같다고 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 왜 그 जितने यहां समुद्र जितनी इतर रेत है इन जरों जैसे तो खुदा ने बनाई हुई चीजें हैं जो सियारे हैं जो हमें पता ही नहीं है. 여러분 바닷가에 모래 알갱이가 얼마나 많아요? तो आप अगर समुद्र के साहिल पर जाएं तो आपको पता है वहां कितनी रेत पड़ी होती है. 그런데 이 우주에도 그런 행성들이 지구 같은 행성들이 어마어마하게 많다는 거. तो आप देखें कि इसी रेत के जरों की मानद ये चीजें हैं तो हमें पता ही को नहीं है उनका. 그런데 우리 지구는 전 세계의 그 모래사장에 있는 모래 알갱이 딱 하나. 그게 바로 지구라고 얘기합니다. तो हम क्या कहते हैं कि जितने जर्रे हैं उस जरों में जर्रे में ये हमारी दुनिया भी एक जरे के मुताबिक शामिल है. 여러분 이 우주가 얼마나 큰지 아시겠죠? तो आपको पता चल गया है कि ये जो प्लैनेट है वो कितने बड़े हैं. 여러분 이 우주를 창조하시고 이 우주 만물을 지금도 운행하시는 분이 바로 하나님이시라는. तो जो इस दुनिया को पैदा करने वाला खालक और मालिक है वो कौन है जिसने ये सब कुछ बनाया वो हमारा खुदा है. 여러분 우리가 믿는 하나님이 얼마나 크신 분인지를 여러분들 아셔야 됩니다. तो आपको जानना चाहिए कि हमारा जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं जिस खुदा ने हमें पैदा किया वो कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा खुदा. 아무리 세상의 권력과 권세가 아무리 클지라도 우리와 함께하는 하나님보다 작다는 걸 여러분들은 아셔야 돼. तो आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी इधर अपने आप को बड़े बड़े लोग समझते हैं कि हम ये हैं वो है मेरे चीजों वो खुदा के सामने कुछ भी नहीं हो सबसे छोटे लोग हैं. 그렇기 때문에 예수님께서는 제자들에게 전도하러 보낼 때에 내가 너와 함께하고 있어 걱정하지 마라고 말씀하시는 거예요. इसलिए मसीह यीशु ने जब अपने शिगिर्दों को भेजा था तो उन्हें कहा था कि डरो ना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. 여러분 이 하나님께서 우주 만물을 창조하셨다는 거예요. और ये खुदा है जो हमारे साथ रहता है उसने ये दुनिया सारी बनाई है. 근데 무질서하게 창조하신 것이 아니라 질서 있게 창조하셨습니다. सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि हमें भी जो हम इस दुनिया में इंसान रहते उन्हें भी खलक किया है. 하나님께서는 뭐 빛도 빛이 있으라 그 빛도 창조하시고 나무도 창조하시고 하늘도 창조하시고 이 세상의 모든 걸 창조하셨죠. लेकिन यह है कि खुदा ने जब दुनिया बनाई तो उसने कहा लाइट हो जा रोशनी हो गई खुदा ने आसमान. लेकिन इन सब चीजों को बनाने का भी एक बुनियादी जाबता है कानून है. तो हम देखते हैं कि एक नेकोबाद का दरख्त का भी हमें पता चलता है. तो आप दरख्त को जानते हैं दरख्त कहाँ पे खुश रहता है. तो वो किस जमीन में रहेगा तो खुश रहेगा हरा भरा रहेगा. तो हम देखते हैं कि जहां पर जमीन अच्छी होगी वहां पर जो दरख्त है वो बड़ा अच्छे तरीके से परवान चढ़ेगा. अगर आप उसको उखाड़ दे जमीन से निकाल ले तो वो सूख जाएगा वो आस्ता आस्ता मर जाएगा खत्म हो जाएगा. 여러분 새는 하늘을 날도록 하나님이 창조하셨어요. तो हम देखें अगर फजा में परिंदे जो हरते उड़ते फिरते हैं वहां पर परिंदे क्या फजा में खुश रहते हैं. 여러분 새가 물 속에 들어가면 죽게 됩니다. तो अगर वो परिंदे पानी में चले जाएंगे तो मर जाएंगे. 여러분 물고기들은 어디서 살아야 되나요? तो अगर आप मछली को देखें तो वो किस तरह जिंदा रहती है. 당연히 물에서 살아야 되겠죠. तो वो कहां है वो पानी में रहेगी तो जिंदा रहेगी. 여러분 분명히 하나님께서는 질서 있게 이 세상을 창조하셨다는. 오, 이에 구단에 하루에 제스라 두니아 분아이, 그에 무타빅 운코 라카비우아. 여러분 이 우주 만물을 창조해 놓으시고 바로 인간을 또한 창조하셨습니다. 또, 함 되겠대요. 그 잠, 구단에 사리 두니아 분아리, 이스메 치즈에 분아리, 또 아카르메 구단에 인산코 비 패다. 여러분 인간도 하나님께서 아주 질서 있게 그렇게 인간을 창조하셨어요.
हम देखते हैं कि जिस खुदा ने ये सब कुछ बनाया उसके बाद इंसान खुदा ने इंसान को भी पैदा किया। 인간은 하나님과 함께 있을 때 행복할 수 있도록 창조하셨다는 거예요. 또 예비 구단에 대해 구단에 우스케 사타 레네켈리에 우스키 쿠시켈리에 구단에 아프네 아프니 시비 파루세 바나야. 그래서 인간에게만 하나님의 형상대로 창조하셨다고 말씀하시고 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라고 하나님이 그들에게 축복하셨습니다. तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब उन्हें अपनी शबी पर बनाया तो खुदा ने उन्हें बरकत दी कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो, ये बरकत भी उन्हें अता की। तो अगर हम दूसरा बाप उसकी सातवीं देखे तो खुदा ने की लिखा है, लिखा हुआ है खुदा खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम पुकार, वो जीती जान बना। 그리고 인간에게만 영이 있습니다. 예, सिर्फ इंसानों में ही जो है वो रूह है. 여러분, 짐승에게는 영이 절대 없어요. 그래서 जानवरों में रूह नहीं होती. 여러분, 인간에게 이만 영이 있다는 증거가 뭔가요? तो इंसानों में रूह है इसकी गवाही क्या है? कैसे सबूत क्या है? 여러분, 인간만이 종교를 만듭니다. 예, 이시게 जरिए ही जो है लो हम खुदा से मिलते हैं. 우리는 세계 역사를 보면 알 수 있어요. और अगर हम दुनिया की तारीख को देखें तो फिर हमें पता चलता है. 세계 역사가 시작된 이래로 지금까지 수많은 인류가 이 세상에서 나왔죠. तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो हमें बुनियादी चीजें नजर आती हैं जो दुनिया से बने लेकर अब तक जो इस दुनिया में मार्दे वजूद में आई. 그러나 많은 문명이 이 세상에서 나왔을 때에 그 문명 속에는 반드시 종교가 있었어요. तो उनके अलावा जब ये मुश्किलें आती उसके अंदर जो है वो मजहब भी शामिल होता है. वो शामोनिज्म, एनिमिज्म, टोटेमिज्म, 사람들은 이 세상에 있는 모든 걸 다 섬깁니다. तो हम देखते हैं कि उनमें जादूगरी, बुतपरस्ती और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जो है मजहब जो है लोग प्रमाण चढ़ते हैं. कुछ बार इनका यौगी इतना चिंग है और ये है कि खुदा के इंसान के अंदर रूह है, ये हमारे पास गवाही. 여러분, 동물이 어떤 신에게 비나이다 비나이다 했다는 얘기 들어보셨나요? तो आपने देखा होगा कि लोग जो है वो बुतों के सामने जाके हाथ जोड़ के बस उसके सामने भीख मांगते हैं, उससे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं. 아니, 개나 고양이나 닭이나 소가 어떤 신에게 비나이다 비나이다 하는 거 보셨냐 이걸? तो क्या आपने किसी गाय को, किसी बच्चे बिल्ली को, कुत्ते को इस तरह बुतों के सामने जाके दुआ करते हुए हाथ जोड़ते हुए देखा? 여러분, 하나님께서는 인간에게만 영을 불어주셨습니다. 실은 부단의 인간에 아픈 룹. 영을 불어주셨다는 것은 하나님은 영이시고 인간도 영이기에 서로 교제할 수 있는 자로 창조하셨다는 거예요. 실은 부단의 인간의 나트륨이 담풍과 ताकि ये रूह है और रूह के साथ इसका मिली रहेगी, इनका आपस में तल्लक रहेगा. 그리고 이 인간만 인간과 하나님께서는 약속을 하시죠. 근데 이 인간이 लोगों के साथ इंसानों के साथ ही खुदा ने एक मुआयदा भी किया. 여러분, 약속은 아무나 할 수 없어요. 그 हर कोई जो है हर जो कोई है वो वादा नहीं करता. 그 동등된 입장에서 약속을 할 수 있는 거예요. 그 वो इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ इंसानों से एक वादा करता है. 그리고 서로 신뢰하고 믿기 때문에 약속을 하는 거잖아요. 뭐 सिर्फ चाहता है कि इंसान जो है वो मुझ पर ईमान रखे, मुझ ही के साथ चिमटे रहे, इसलिए खुदा उनको एक ऐद भी देता है. 하나님은 인간을 창조하신 창조주시고 인간은 창조된 피조물입니다. तो हम देखते हैं कि खुदा बनाने वाला और हम उसकी مخلوق है. 그러나 이 하나님께서 인간과 약속을 하셨다는 것은 그만큼 하나님께서 인간을 동등되게 생각하셨다는 거예요. तो इसीलिए कि खुदा ने ही इस दुनिया को खुदा इंसान को बनाया और इसीलिए इंसान ही खुदा के नजदीक खुदा के साथ चलता है और इसी खुदा इंसान के लिए खुदा ने सब कुछ किया. 그만큼 하나님께서는 인간을 사랑하셨고 신뢰하셨고 믿으셨다는 겁니다. और इसी तरह खुदा ने इंसान को बड़ी बरकत दी, उसको हर चीज उसके हाथों में रखी और इस पर इतना यकीन जो है भरोसा किया. 여러분, 인간은 그러면 하나님의 그 말씀과 그 약속대로 순종하며 살면 돼요. 또 하면 सिर्फ जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ही जिंदगी बसर करनी चाहिए. 그러면 하나님과 함께 행복하게 살 수 있잖아요.
तभी हम खुदा के अंदर खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं. 여러분 가난도 없습니다. 질병도 없습니다. 죽음도 없잖아요. तो आप देखें कि ना तो हमें किसी चीज की फिक्र है, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, कोई चीज की फिक्र नहीं है. 여러분 아까 전에 제가 나무가 흙을 떠나면 죽는다고 했어요. मैंने आपको ये बात कही थी कि अगर दरख्त को उखाड़ दिया जाए तो वो सूखना शुरू हो जाता है. हाँ, मुर्गी तो भूरल तरह में छुगोयो. तो अगर मछली को पानी से निकाल दिया तो वो भी मर जाती है. 그냥 하나님의 말씀대로 물고기는 물에, 나무는 흙에 있으면서 살아요. 행복하게 사는 거예요. हम देखते हैं कि जिस तरह मछली पानी में, दरख्त जो है वो जंगल मिट्टी में खुश रहता है, इसी तरह इंसान भी खुदा के साथ रहेगा तो खुश रहेगा. 여러분 사람도 하나님의 말씀대로 하나님과 함께하면 하나님의 약속대로 살면 행복할 수 있다는 거예요. 예, अगर इंसान भी खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे तो वो भी इस दुनिया में खुश रह सकता है. 여러분 그러나 인간은 그러지 못했습니다. लेकिन मेरे अजीजो इंसान ऐसा नहीं करता. 이렇게 하나님께서 인간을 존귀하게 정말로 사랑스럽게 창조하셨지만은 그 축복을 인간은 누리지 못했어요. लेकिन खुदा ने इतनी बरकत दी, खुदा ने इतनी हमें शिनाकत दी कि हम, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो इस बरकत पर पूरा ना उतर सका. बारो मागीगा इंगारे युगी की तेमुने इसलिए कि शैतान के गुनाह की वजह, शैतान के बहकाने की वजह. मागीन थराखन छनसाइबिदा. और आपको पता होना चाहिए कि ये जो फरिश्ता था ये ऊपर से आसमान से फेंका गया था, ये वो फरिश्ता था. 여러분 하나님께서는 인간을 창조하시기 전에 먼저 천사들을 창조하셨어요. 또 인간을 पैदा करने से पहले खुदा ने फरिश्ते जो है वो बनाए हुए थे जो आसमानों में रहते थे. 근데 그 천사들 중에서도 가장 존귀하게 창조한 천사가 한 명 있었습니다. 또 한번 देखते हैं कि एक तैयारी की हुई है जो खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है वो फरिश्ता कहलाता है. 그런데 그 천사가 교만함으로 하나님의 자리를 넘보게 되죠. और उसके दिल में जो है वो क्या आया, घमंड आया. और उसने खुदा की जगह जो है वो रहना पसंद किया, खुदा के इख्तियार को अपनाना चाहा. और खुदा ने उन्हें अपनी बादशाही से निकाल बाहर किया. तो उस फरिश्ते का नाम क्या है, लूसीफर. उसे हम पुराना सांप भी कहते हैं, उसे शैतान भी कहते हैं. 그리고 타락한 천사를 따르던 수많은 무리의 천사들도 같이 쫓겨나요. तो हम देखते हैं कि उनके वसीले से ही काफी जो चीजें हैं वो खत्म हुई. कुछ बारो उरी इंगान और गियोखान जिम क्वीशिंदरीबिदा आखन यंगदरी. और वो है बदरुए जो इंसानों को तबाह बर्बाद करती. यरोबो कुरेसो ये सातानीरान जोंजेगा ये आदमगा हवा इंगान और गियोखान गोय. और उसी पर शैतान ने, उसी फरिश्ता ने जो पहले था इंसान को यानी कि आदम और हवा को क्या अगला फर्क लगाया. 그래서 하나님과 함께 살 때 행복한 인간들을 유혹하게 된 겁니다. और जो खुदा के साथ जिंदगी बसर हमारी हो रही थी, इंसान रह रहा था, उसको क्या तबाह बर्बाद कर दिया. 여러분 하나님과 약속한 그 언약을 그 마귀가 깨뜨리려고 한 거예요. तो हम देखते हैं कि उसी के वसीले से जो खुदा हमें देता है, शैतान को हम मारते हैं, लेकिन शैतान फिर भी हम पर मसीह के बगैर जो हम पर गालिब आ जाता है. 그래서 마귀는 인간을 유혹하죠. और इसीलिए जो शैतान है वो इंसान को बहकाता है, वर्ग लगाता है. 여러분 이렇게 마귀가 유혹할 때 우리는 하나님의 말씀을 꼭 붙잡아야 돼. तो जब ये शैतान ऐसे काम करता है, आजमाता है, वर्ग लगाता है, तो हमें खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह देनी चाहिए. 그러나 아담과 하와는 최초의 인간은 하나님의 말씀을 붙잡은 것이 아니라 마귀의 말을 더 들었어요. तो हम देखते हैं जो पहले इंसान थे उन्होंने खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन जब शैतान ने वो बात कही उसको बड़ी अच्छी तरीके से कबूल किया. तो बजाय के वो शैतान की बात को ना मानते, शैतान खुदा की बात को रद्द करके लगातार शैतान की बातों को लोग मानते रहे. और इसको हम कहते हैं बेदीन, जिनमें ईमान की कमी होती है, जो ईमान मसीह पर नहीं रखते. 여러분 이 불신앙의 결과가 얼마나 큽니까? तो अगर आप इस बेदीनी में गिरे हुए हैं तो फिर ये बहुत बड़ी लानत है, ये फिर इंसान निकलता नहीं जल्दी. 이 아담과 하와의 불신앙의 결과가 지금 얼마나 전 세계에 고통으로 옵니까?
तो आप आज देखें कि शैतान जो है ये दुनिया में किस तरह कितना बड़ा इसका जो पांव इसने फैलाए हुए हैं, कितना बड़ा ये काम कर रहा है कि तमाम लोग इसके शिकंजे में।우리 전도학교의 학생들은 불신앙하지 마세요. तो मेरे अजीजों, आप जो इवेंजेलिज्म स्कूल में बैठे हुए हैं, आप इस बेदीनी की तरफ ना लौटे।우리 하나님의 나라를 세워가는 주일 군들은 불신앙하지 마세요. तो मेरे अजीजों, जो आप खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा के इवेंजेलिस्ट हैं, आपको भी इस बेदेनी से दूर रहना चाहिए।여러분, 요셉이라는 사람은 애굽의 노예로 끌려갔지만 불신앙하지 않았잖아요. तो हम देखते हैं कि यूसुफ को जो उसके भाइयों ने जो बेचकर मिस्र में बेच दिया था, लेकिन वो डामाडोल नहीं हुआ, वो अपने काम पर खुदा के बगाम में मसरूफ रहा।여러분, 요셉이라는 사람은 그 죄수의 신부들로 감옥에 갔지만 불신앙하지 않았어요. 그 हम देखते हैं कि वो जो पलूसर सूल था, वो कहाँ गया था? दोसक में उसको भेज दिया गया।여러분, 다니엘은 바벨론의 포로로 끌려갔지만 불신앙하지 않았어요. तो हम देखते हैं कि दानियल भी असीरी में जरूर गया था बाबीलोन में, लेकिन बेदीनी नहीं आई, उसमें ईमान की कमी नहीं हुई।여러분, 사도 바울은 로마로 순교하러 죄인의 신분으로 갔지만 불신앙하지 않았다는 거예요. तो हम देखते हैं कि पलूस रसूल भी इस कलाम की खुशखबरी को लेकर रोम में गया।여러분, 인간의 불신앙은 가장 무서운 겁니다. कि हमारी जो ईमान की कमी और मजहब से दूरी है, ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक साइन होता है।여러분, 이 아담과 하와의 불신앙으로 하나님을 떠날 수밖에 없게 돼요. तो इसीलिए इनकी बेदानी की वजह से खुदा जो है इनसे दूर हुआ।하나님과 함께 행복한데 인간이 하나님을 떠났다는 거예요. कि ये है खुदा से दूरी की वजह, कि क्यों हम खुदा से दूर है, शैतान जो हमें बिल्कुल मुकम्मल जहरी तौर पर अपाच कर देता है।그러므로 하나님이 제일 싫어하는 그 인간 세상에 죄가 들어오게 됩니다. और खुदा जिस चीज को पसंद नहीं करता, वो गुना शैतान की वजह से इस दुनिया में आता है।여러분, 이 죄로 말미암아 모든 인류는 죄 저주를 받는 거예요. और इस गुनाह की वजह से तमाम लानते जो है वो इंसानों पर आती है।여러분, 이 죄로 말미암아 모든 인류는 서로를 죽이고 미워하고 전쟁이 일어나고 그렇게 된 겁니다, 여러분. और इसी गुनाह की वजह से इंसान पर तमाम लानते, मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां आती।여러분, 성경에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니라고 말씀하고 있어요. तो इस तरह का वह जो गुनाह करता है वो अबलीस से यानी शैतान से है।여러분, 하나님과 함께해야 될 인간이 결국에는 그 죄로 말미암아 마귀의 종노릇, 마귀의 억압과 마귀의 눌림 속에 살아가게 되는 인간이 되어버린 겁니다. और जो इंसान गुनाह करते हैं, वो शैतान के शिकंजे में, शैतान के हाथों में, शैतान के जाल में फंसे होते हैं।여러분, 오늘 절대적 구원의 길을 알자라는 말씀을 전해드리고 있어요. तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि हमारे लिए जो सच्ची नजात की राह है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं।제가 맨 처음에 우리는 전도를 해야 되기 때문에 지금 전도에 대한 공부를 한다고 말씀드렸어요. तो हमने देखा कि हम इवेंजलिस्ट है, तो हमें इवेंजलिज्म किस तरह करनी है, हमें इन चीजों का पता होगा, तो हम इवेंजलिज्म लोगों में करने जाएंगे।여러분, 전도라는 것은 누군가의 만남 속에 전도를 하는 거잖아요. 그 किसी से भी जब हम मिलते हैं, उसको खुदा का कलाम सुनाते हैं, यही इवेंजलिज्म है, यही मनाती है, यही प्रचार है।근데 그 만나는 사람마다 수많은 문제를 가지고 있어요. अगर जिस लोग आप इंसान से मिलते हैं, उसमें हजारों किस्म के मसाइल में गिरा हुआ होता है।근데 그 인간의 문제가 지금 왜 왔는지, 왜 고통을 당해야 되는지, 그 문제를 구원할 수 있는 길이 뭔지를 지금 말씀드리는 겁니다. तो वो कहता है कि जिन मसाइल की वजह से हम दूर हुए हैं, खुदा से हमें पता नहीं है, हम उसी में ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और शैतान हमें इसी तरह बहकाता है।여러분, 이것이 머리에만 있는 것이 아니라 여러분들의 신념 가운데, 마음 가운데 가진 자가 돼야 돼요. 또 아무것도 दिमागी तौर पर ही आपके गूदे गूदे में बंद बंद में खुदा का कलाम, ताकि आप शैतान के हथकंडों से बच सके।저는 이 말씀을 많이 들었고 또한 많이 신고했습니다. और मैंने इस कलाम को बड़ा सुना है, और इतनी ज्यादा जड़ी है जो है वो लोगों तक ये कलाम को पहुंचाया भी है, लोगों को बताया भी है।그러나 중요한 것은 많이 듣는 것도 중요하지만 내가 이 말씀을 가지는 게 중요한 거예요. लेकिन ये पढ़ना ज्यादा इसके बारे में अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी मेरे लिए बात यह है
ये सारा कुछ कलाम मैंने सुना और अपने दिल में रखकर इसको इस्तेमाल किया. 여러분 말씀을 가졌다는 게 뭐예요? 그 그람 거 아프네 딜로 메 라크나 그람 거 아프네 파워스 라크나 이스카 키아 마니. 저는 찬송 찬양을 굉장히 좋아합니다. 또 좋아해 무제 기토기 기탑 좋아해 뭐 파산다. 근데 여러분들 찬송을 똑같은 거를 10번 100번 1000번 불러도 지루하지 않아요. 근데 अगर आप गीतों को पढ़ते रहे 10 बार सुने 3 बार सुने 5 बार पढ़ते रहेंगे तेरे तो कुछ भी नहीं होता. 찬양을 부를 때마다 그 찬송의 가사에 제가 은혜를 받고 눈물을 흘릴 때도 있어요. 또 ऐसे भी है जो कलाम को सुनते हैं और उसके म्यूजिक को सुनकर लोग आंखों में आंसू भी आ जाते. 여러분 왜 그럴까요? तो क्यों ऐसा होता है? 제가 지금까지 신앙생활을 거의 40년 가까이 하고 있습니다. तो मैंने जो है तकरीबन 40 साल मुझे हो गए हैं ये मसीह जिंदगी मसीह में बसर करते हुए. 저는 아주 애기 때부터 교회를 다니고 예수님을 믿었어요. मैं बचपन ही से चर्च जाता रहा हूं और मसीह पर मैंने ईमान रखा हुआ. 그러면 제가 알고 있는 찬송가도 수백 개, 수천 개, 수만 개가 되죠. तो मैं देखता हूं कि ये गीत भी है 200 300 जितने भी हैं ये सब कुछ वैसे के वैसे हैं जो मैंने बचपन से ही पढ़े. 그런데 매주마다 매일마다 똑같은 찬양을 또 부르고 또 부르고 또 불러도 은혜가 되고 감사하고 기뻐요. तो मैं उन गीतों को हर रोज पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं लेकिन खुदा की बरकत मुझ पर खुदा का फजल मुझ पर और होता रहता है. हां ना तुक्की सिरो इजे कुमारे ना इजे अन बुरले ना अन बुरले कुरुजे अनायो. मैंने ये नहीं कहा कि मैं अब ये गीत नहीं सुनूंगा मेरे लिए ना पढ़ो. मैंने कभी ऐसी बात नहीं की. वेओ कु चयांगी ने मोरीरोमा अल्गो इन्नेन गोसी अनिरा जोंमारो नेगा गाजोकी तेमने कुरोन गोयो. तो ये बात जो है ये गीत जो है वो मेरे लिए क्या है वो मेरे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं इसलिए मैं जितने मर्जी पढूं मुझे उतनी ही बरकत खुदा से मिलती है. 여러분 전 세계로 유명한 Amazing Grace라는 찬양이 있어요. 또 아무거 पता है कि एक अमेजिंग ग्रेस भी इंग्लिश में गीत है. 여러분 그 찬양의 가사가 뭡니까? 또 वो उसकी जो म्यूजिक है या उसमें जो शायरी की गई है वो क्या है? 나 같은 죄인 살리신 주님의 은혜 놀라워. 그 मैं मेरे जैसा गुनहगार जो है वो किसके जरिए मसीह के खून से जो है वो धुल जाता है पाक साफ हो जाता है. 잃었던 생명 찾았고 영생을 얻었네. और इसी मसीह के जरिए मैंने हमेशा की जिंदगी हासिल की है. 여러분 그 찬양의 가사를 머리에만 아는 사람은 은혜가 안 돼요. 그 जो लोग उस शायरी को सिर्फ अपने दिलो दिमाग में रखते हैं वो बरकत हासिल नहीं कर सकते. 그러나 그 찬양의 가사가 내게 정말로 살아있는 성령의 역사로 예수님이 나를 위해 죽어서 나를 구원했다는 사실이 믿어지면 할렐루야 감사합니다. 하나님께 찬양을 할 수 있는 거예요. 아, और जो लोग उस कलाम को जो मसीह यीशु को अपने दिल से कबूल करते हैं उस बात को समझते हैं तो फिर वो हालेलुया कहकर मसीह यीशु का शुक्रिया अदा भी करते हैं. 여러분 모든 말씀을 머리로 받아들이지 마시고 기도하시면서 내 마음으로 받아들이셔야 돼요. तो आपको ये नहीं है कि आपने अपने सिर्फ दिमाग के जरिए सब कुछ है लेकिन दुआ के जरिए उसको अपने दिलों में भी बिठाना है. 여러분 그래야 내가 다른 사람에게 살아있는 믿음을 가지고 살아있는 말씀을 증거할 수 있어요. तो तभी मैं जाके इस जिंदा कलाम को जिंदा इंसानों के सामने जाकर रखूंगा ताकि वो हमेशा की जिंदगी इससे हासिल करें. 여러분 모든 인간이 왜 고통 속에 살 수밖에 없는가를 우리는 지금 다시 한번 보는 겁니다. तो हम देख रहे हैं कि इन चीजों से हम तस्दीक कर रहे हैं क्यों लोग इस वक्त दुखों तकलीफों में जिंदगियां बसर कर रहे हैं. ये वाइसिंग में बॉडी का नहीं और शून्यों में छुपा रहा गांधी सुभागे. तो मैं ये चाहता हूं कि ये आपके दिलों दिमागों ने में नहीं बल्कि ये कलाम आपकी रूह में शामिल हो जाए.여러분 하나님과 함께하는 인간이 마귀의 유혹으로 하나님을 떠나게 됐다는 거예요. हम देखते हैं कि ये शैतान के बहकाने के शैतान की वजह से ये जो गुलामी का जुआ हमें जब हम जुते हुए ये शैतान की वजह से हुआ है. 그래서 인간에게는 죄와 저주와 고통과 사망과 지옥이 따라오게 됩니다. तो इसके साथ क्या आता है गुनाह के साथ के क्या शैतान के साथ क्या आता है गुनाह और दोजख की लानते भी इंसान पर आती है. 이런 인간은 태어날 때부터 죽을 때까지
불행 속에 살 수밖에 없어요. 이것을 인간의 여섯 가지의 저주라고도 합니다. और इसको हम छह किस्म की लानते कहते हैं। 여러분 그 여섯 가지 저주의 첫 번째는 인간이 하나님을 섬기게 될 인간이 우상을 섬기게 돼요. और वो रूह जिसको खुदा ने बनाया था, चित्त खुदा को नहीं बल्कि शैतान की पूजा करती है। 여러분 이것을 영적인 저주라고 하는 거예요. और इसको हम कहते हैं रूहानी लानत। 하나님께서는 분명히 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 바다에 있는 것 어떤 것도 만들지 말고 졸아지도 말고 숨기지도 말라. 분명히 말씀하셨어요. और जबकि खुदा ने क्या कहा था कि तुम आसमान पर ना जमीन पर किसी किस्म की मूर्ति किसी किस्म की चीज की उसकी पूजा ना करना. 근데 많은 세상의 사람들은 나무에도 절하고 돌에도 절하고 무슨 물에도 절하고 그걸 우상으로 만들어 섬기고 있어요. तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में पत्थर के मिट्टी के और दरख्तों के नीचे पता नहीं क्या क्या पानी पे क्या बनाते हैं भूत बनाए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के जिनकी पूजा करते रहते हैं मूर्तियों और सिंचियोन सारामी चागीगा चागीगा वांगिराको हंजेराको क्योवांगिराको और चागीगा शिनराको मारने सारा भी ओल्मा ना मानसिनिका आप अगर कोई बादशाह भी है कोई ताकतवर भी है पैसे वाले सब लोगों ने इस तरह के भूत जो है रखे हुए हैं उन देवते इस तरह के रखे हुए हैं 여러분 다 거짓말입니다. तो वो सब झूठ बोलते हैं सब झूठ सब आदिया सुगिरन को है और वो सब शैतान के बहकावे में बह गए हैं. 여러분 하나님이 아닌 마귀를 숭배하게 그렇게 만드는 거예요. और वो लोगों ने नहीं बल्कि शैतान ने उनको ऐसा बनाया वो शैतान की पूजा कर रहे हैं. 왜냐하면 그래야 인간을 불행 가운데 살도록 마귀가 만드는 거니까. और इसीलिए शैतान जो है वो इस तरह के दुख उनके सामने इर्द गिर्द मुश्किलों का जाल बिछाया ताकि वो वहां इस यहां पर जिंदगी बसर करे. पाकिस्तान और हिंदू में उल्माना मानव उसंगदरी इसमें तो आप पाकिस्तान में या इंडिया में देखें आप इंडिया में देखें आपको पता चल जाएगा घर घर में और सड़कों पर और कहां पे मंदिर बने हुए हैं पूजा करने के लिए आपको मूर्तियों. हां उरी का सर जेगा सर भी इधर हान बुगे तो और सुक्ता मुनिरल मोशिगो और छुंजुगिरेसो मारिया के किदोहागो इरोन उसंगदरी नोमना माना है. आज भी जो है वो सुक्का मणि जो बुद्ध है और कैथोलिक चर्च जाए तो वो मारिया के सामने मकसा मरियम के सामने अपनी दुआएं मिनते कर रहे होते. आज तो मुसोगिरल 찾아가서 점을 보고 구슬 하고 그렇게 귀신에 충만한 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. आज भी लोग जो है जादूगरों के पास जाकर उनसे अपनी जिंदगी के हालो हवाल पूछते हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों के हल निकालते हैं. 여러분 하나님을 믿지 않고 우상을 섬기는 것은 영적인 저주라는 거예요. 저 खुदा고 नहीं मानता बुतपरस्ती करता है मूर्तियों की पूजा करता है वो लानतों का वरदान है वो लानतों में है. 그 사람이 그 가정이 그 가문이 우상을 섬기면 마귀가 충만해지고 귀신이 충만하게 돼요. तो वो क्या उसको पाक रूक नहीं जो बुतों की पूजा करते हैं मूर्तियों को मानते हैं उनमें शैतानी ताकतें असर करती हैं. 여러분 귀신은 절대 인간에게 축복을 가져다 주지 않아요. 왜 मेरे जो जो बदरुए हैं वो आपको बरकत नहीं बल्कि आपको लानते देती है. 여러분 저주와 고통과 질병과 그런 어려움만 가져다 주는 게 마귀입니다. 귀신들이에요. और जो आपको मुश्किलात परेशानियां और हर किस्म के दुख पहुंचाता है वो मसीह नहीं वो खुदा नहीं बल्कि शैतान और उसकी बदरुए हैं. 여러분 이게 영적인 저주입니다. और ये है रूहानी लानत. 여러분 우상을 섬기는 수많은 전 세계의 나라가 있죠. तो आप देखते हैं कि मूर्तियों की पूजा करने वाला एक नहीं बहुत सारे ममालिक जो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं. 여러분 대체적으로 우상을 섬기는 나라는 너무나 가난한 나라가 굉장히 많습니다. और जितने जो है बुत प्रस्ती करते हैं जितने बुतों के पीछे मूर्तियों की पूजा करते हैं वो गरीब ममालिक है. 여러분 아프리카 지역이나 동남아 지역이나 남아메리카 지역은 우상을 많이 섬기는 나라예요. तो आप देखें कि अफ्रीका में और एशिया में मुख्तलिफ इलाकों में लोग क्या कर रहे हैं वो जनूब में मशरक में लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं मूर्तियों को पूजा कर रहे हैं. 여러분 대부분의 나라가 가난합니다. तो मोस्टली जो ज्यादा ममालिक है वो गरीब ही है. 여러분 우상을 섬기면 마귀가 역사하게 돼요. और जब आप मूर्तियों की पूजा करते हैं तो शैतान आपके अंदर काम करता है.
저주를 가져다 주고 그 가정과 가문을 망하게 한 걸. और वही जो लानते हैं वो आपके खानदान को आपको तबाह करते हैं। 여러분 얼마나 우리 한국도 우상을 많이 섬겼는지 모릅니다. तो आपको सोच भी नहीं सकते कि पहले लोग कितनी कोरिया में मूर्तियों की पूजा लोग करते थे। 그러나 100년 전이 땅에 하나님께서 은혜 주셔서 우리 한국에 복음이 전파됐어요. तो लेकिन 100 साल पहले खुदा ने यह मिशनरी भेजे अपनी बरकत हाँ भेज जब यह बरकत आज हम उसको लुत्फ़अंदोज उससे हो रहे हैं। 여러분 많은 한국 사람들이 예수와 그리스도를 받아들이고 죽음을 무릅쓰고 예수를 증거했어요. तो हम तमाम लोगों ने बहुत लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया अब उसी यीशु मसीह की खुशखबरी हम दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 여러분 저희 한국이 얼마나 가난했는지 모릅니다. तो आप सोच भी नहीं सकते कि पहले कोरिया कितना गरीब मुल्क था। 전 세계에서 가장 가난한 나라가 우리 한국이었어요. 그 दुनिया में सबसे गरीब जो मुल्क था वो कोरिया था। 먹고 살 곳이 없어서 저기 산에 가서 나무 껍질을 뜯어다가 먹은 게 우리 한국이에요. तो आप ये सोचें कि हमारे पास ना खाने पीने के लिए चीज नहीं थी लोग पहाड़ियों पर जाकर दरख्तों की शाखें दरख्तों के पत्ते लाते थे वो खाते थे। 술과 담배와 성적인 타락과 쾌락으로 찌들어 나라가 한국이었습니다. तो आप देखें कि शराब नोशी सिगरेट नोशी इस तरह के काम कोरिया में बहुत है। 그러나 예수를 믿고 나서 그 모든 걸 결단하고 하나님께 기도하기 시작했잖아요. तो इन सब चीजों को छोड़कर यीशु मसीह जब हमें पता चला तो लोगों ने इसके यीशु मसीह को कबूल करके दुआएं करनी शुरू की। 그래서 이 땅이 너무나 풍요로운 한국으로 하나님이 축복하셨습니다. और इसी वजह से खुदा ने इन कोरिया को बड़ी बरकत अता की। 여러분 분명히 하나님을 떠난 인간은 우상을 섬기게 되고 영적 저주가 임한다는 걸 기억해야 돼. तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरह बुतों की पूजा करते हैं उनको शैतान की जो है लानतें जिंदगी में मिलती हैं। 여러분 주변에 여러분들의 그 사람들도 보면은 하나님을 믿지 않는 예수를 믿지 않는 그 사람들 우상을 섬기는 사람들은 영적인 저주가 그들에게 흐르고 있는 거예요. 로 खुदा को नहीं मानते जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते खुदा पर विश्वास नहीं करते बथरुओं पर वो विश्वास करते हैं तो उनको रूहानी लानतें मिलती हैं। 여러분 이렇게 우상을 섬기면은 마귀가 그 사람의 생각과 마음을 꽉 붙잡고 있어요. तो जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं शैतान उनके दिमाग को जो है वो पकड़े रखता है उनको काम करने नहीं देता ज़हनी बीमार कर देता है। लेकिन मसीह यीशु जो हमें वो क्या देता है इत्मीनान तसल्ली सुकून मुहैया करता है। और वो मसीह हमें खुशियां अता करता है वो हमारे दिल आजारी दे दिल खुश करता है और हमें बरकत देता है। 그런데 마귀는 인간의 생각과 마음을 꽉 잡고 있다는 거예요. लेकिन जो शैतान है इब्लीस है वो क्या करता है हमें ज़हनी तौर पर अपाज कर ज़हन को पकड़ देता है। 그래서 평안이 아니라 오히려 불안하고 걱정하고 염려하고 스트레스 받고 눌리고 그렇게 인간을 만들어요. वो हमें सुकून से रहने नहीं देता बल्कि हमें स्ट्रेस परेशानी फिक्रमंदी हमें अता करता है। कौन देता है शैतान। 그리고 과거의 상처에 얽매이게 만들고 또한 우울하게 만듭니다. और वो पुराने जख्मों को जिंदा करता है और इंसान को अफसरदा कर देता है दुखी कर देता है। 그리고 다른 사람들에 대한 열등감을 가지고 있고 누구를 미워하고 시기하고 질투해요. और वो शैतान क्या करता है दूसरों से नफरत सिखाता है दूसरों से लड़ाई कराता है दूसरों से दूर रहने की जो है वो तलकीन करता है वो हमें दूर करता है। 여러분 그렇게 미래가 두렵고 힘들고 고통스러우니까 뭔가라도 찾으러 가는 거예요. 또 ये है कि इंसान को समझ नहीं आती कि क्या करना है वो अपने दिमाग से शैतान के बहकाने में ज़हनी तौर पर अपाज हो जाता है जो शैतान कहता है इंसान वही करता जाता है। 그래서 무당을 찾아가고 점을 보게 되고 구슬하게 되는 거예요. और वो क्या जाता है मंदिरों में जाता है जादूगरों के पास जाता है नजूमियों के या बीनों के पास जाता है। 여러분 이게 바로 마귀가 역사하는 겁니다. और ये है शैतान का काम। 여러분 여러분 주변에 그런 사람이 얼마나 많습니까? तो आप अपने इर्द-गिर्द देखें इस दुनिया में बहुत लोग मौजूद हैं। 여러분 그들을 보면 우리는
절대적 구원의 길이신 예수 그리스도를 증거해야 된다는 마음이 생겨야 돼. 또 हमारे अंदर ये ईमान पैदा होना चाहिए दिल पैदा होना चाहिए ताकि हम इन लोगों को मसीह की खुशखबरी निजात की राह सिखा सके बता सके 여러분 이렇게 마귀가 정신을 잡고 있으면 당연히 그의 삶도 문제가 생기게 되겠죠. तो हम देखते हैं कि जब ये मसाइल पैदा होते हैं तो फिर हमारे पास जिस्मानी मसाइल भी पैदा होते हैं 우리 한국 사람들은 스트레스 받으면 막 술을 마시려고 합니다. तो लोग क्या करते हैं जब स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हो जाती है सोच जाते हैं फिर लोग क्या करते हैं शराब पीते हैं दारू पीते हैं 가정에서 학교에서 직장에서 스트레스를 받으면 사람들끼리 막 술을 마셔요. और लोग क्या करते हैं अपने दोस्तों को इन लोगों को इकट्ठा करके क्या करते हैं दारू पीने के लिए जाते हैं दारू पीते हैं 여러분 술을 마신다고 그 문제가 해결됩니까? तो क्या दारू पीने से शराब पीने से ये मसाइल हल हो जाते हैं मेरे जीजो नहीं होते 여러분 마귀가 주는 스트레스 마귀가 주는 우울증을 술이나 담배로 해결됩니까? तो मेरे जीजो ये शराब के जरिए शैतान के मसाइल दारू के जरिए नशे के जरिए जो है वो शैतान के मसाइल हल नहीं होते 여러분 그러나 마귀는 그 정신의 저주를 통하여 그 사람의 생활까지도 저주받게 하는 거예요. और वो जो है वो रूहानी तौर पर जहनी तौर पर लोगों को जिंदगियों में लानत भेजता है और जिंदगी लानती और मुश्किल बना देता है और वो हमें क्या करता है वो पस्ती में गिरा देता है और इंसान जो है वो पस्ती में ही दोजक में ही जो है वो जिंदगी बसर करता है 자기의 삶을 질서가 아닌 무질서로 그렇게 살아가게 돼. और इंसान बढ़ता नहीं बल्कि अपनी जिंदगी शैतान के बातों के जरिए शैतान के अंदर ही बसर करता रहता है 여러분 주변에 그런 사람들이 얼마나 많습니까? आप अपने इर्द गिर्द देखें इस दुनिया में देखें इस तरह के बहुत से लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद है 그걸 여러분들이 볼 줄 알아야 됩니다. तो आप जब उनको देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है 여러분 이렇게 살면 언젠가는 육신적인 질병에 걸리게 됩니다. तो इसके बाद क्या आ जाता है ज़ेनी रूहानी ज़ेनी के बाद जस्मानी मसाइल पैदा होते हैं 이게 바로 하나님을 떠난 인간이 망하는 시작점이에요. और ये है खुदा से दूरी की वजह से इंसान जस्मानी रूहानी ज़ेनी और जस्मानी अपाहिज हो जाता बीमार हो जाता है 여러분 우상을 섬기게 되면 반드시 정신의 문제가 오게 돼 있어요. जब आप बुतों की परस्तिश करते हैं बुत मूर्तियों को मानते हैं तो फिर रूहानी मसाइल पैदा होते हैं 정신의 문제가 있는 사람 반드시 그의 생활은 파괴되게 돼 있습니다. तो फिर आपके जो है वो दिली मसाइल और रूहानी मसाइल के साथ साथ जैसे अन्य मसाइल वो पैदा होते हैं 생활이 파괴된 사람은 당연히 육신도 망가지게 돼 있죠. और जब आप ज़हनी तौर पर अपाहिज होते हैं तो आपकी जिंदगी जो है जिस्मानी तौर पर भी बीमार हो जाती है अपाहिज हो जाती है और इंसान इसी तरह जीता हुआ जब मरता है तो कहाँ जाता है दोजक में जाता है और यह है कि मर के इंसान तो चला जाता है लेकिन वो तमाम लानते अपने बच्चों को पड़पोतों को देकर जाता है तो लोग जो है इसी तरह शैतान के हथकंडों में उनके खानदान उनके बच्चे शैतान के हाथों में खेलते हैं शैतान के हाथों में रहते हैं उन्हें वहां से निकलने का कोई राह नजर नहीं आता 여러분 이 모든 저주를 여러분에게서 완전히 끊어버려야 돼. तो आपको इन तमाम लानतों को मेरे जीजो दूर करना है. 파키스탄과 인도에 흐르는 이 마귀와 귀신의 저주를 지금 여러분에 대해서 여러분 신에 끊어버려야 돼. तो पाकिस्तान में हो या इंडिया में या जहां भी आप सबको शैतान की इन लानतों से निकलना है इन शैतान की ताकतों को अपने आप से दूर करना है. 여러분 그 모든 저주를 끊을 수 있는 유일한 분은 예수 그리스도라는 거예요. और इन तमाम लानतों से छुटकारे के लिए निकलने वाली राह एक ही है और वो है मसीह यीशु. 여러분 이 모든 저주, 이 모든 인간의 문제, 이 모든 인간의 고통을 해결할 분은 오직 예수 그리스도예요. इन तमाम मसाइल का हल, इन तमाम लानतों से निकलने वाली राह
वो सिर्फ मसीह यीशु है और इसके अलावा कोई नहीं। 모든 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도 딱 한 분입니다. 한 분이에요. और हम देखते हैं कि तमाम मसाइल का हल करने वाला, तमाम लोगों को निजात देने वाला, तमाम लोगों के लिए राह सिर्फ एक।여러분 이슬람의 마호메트도 아니고 불교의 석가모니도 아니고 천주교의 마리아도 아니라 오직 예수 그리스도 한 분이라는 거예요. 또 나 또 मेरे शिष्यों जो बुद्धों का जो लीडर है सोकामणि ना ये कैथलों के लिए मुकस्सा मरियम ना ये हिंदुओं के लिए कोई करिश्मा देवता कोई भी नहीं है उनके लिए सिर्फ मसीह यीशु आपको इन गुनाहों से छुड़ा लांतों से छुड़ा सकता है। ये यीशु क्रिस्तमानी छन जेदरांगुरोसो शिक्षागाए शुभुशिमुरो ओन इल्यूए चेरल दा योंसोयोसी। और ये वो सच्चा हमारे लिए नबी बनकर आए, इसने सलीब पर अपनी जेते जान देकर अपनी कुर्बानी देकर हमें तमाम लानतों से आजाद किया है, तमाम गुनाहों से हमारे जो गुनाहों की मुआफी अता की है।여러분 세상에 어떤 종교의 신도 인간을 위해 대신 죽었다는 얘기는 하나도 없습니다. और दुनिया में आप सारे मजहब निकालने किसी भी आदमी ने किसी भी किसी की पीर फकीर ने किसी भी लीडर ने अपनी कौम के लिए जान नहीं दी स्वा मसीह। चलन 나를 위해 십자가 지신 예수 그리스도를 믿습니다. मैं उस मसीहा को मानता हूं, उस मसीहा पर ईमान है जिसने मेरी खातिर अपनी जान दी हुई। और कबूल ही नाव हमके आशीन को जन मिसमीर और मैं मेरा ईमान है कि वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कबूल ही कबूल을 위해서 내가 사역을 하고 있다는 것입니다. और उसी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं।여러분 이 예수 그리스도가 여러분들의 예수 그리스도가 되어야 돼요. तो आपको भी इसी तरह का मसीहा मानना चाहिए, इसी तरह का मसीहा आपके पास होना चाहिए। 그리고 예수님께서는 참 왕으로 오셔서 사망 권세와 마귀 권세를 깨뜨리셨어요. और वो एक सच्चा बादशाह बन के आया और उसने शैतान इब्लीस के सर को कुचल दिया। 여러분 인간이 절대로 해결할 수 없는 건 죽음입니다. 죽음. और दुनिया को ये जिंदगी को खत्म करने वाली एक ही लानत है, वो है मौत। कृपया यीशुनि께서 이 죽음을 깨뜨리시고 부활하셨다는 거예요. और मसीह ने इस मौत पर गलब आया और प्रभु यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं। कृपया यीशुनि께서는 나는 부활이요 생명이다라고 말씀하셨습니다. और इसीलिए मसीह यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। 우리가 예수를 믿으면 우리도 예수님처럼 부활하고 영원한 생명을 얻어 천국에서 영원히 사는 거예요. और इसी मसीह यीशु के साथ जब हम रहते हैं तो हमने हमेशा के लिए मसीह को कबूल करके उसके साथ आसमान की बादशाही में रहना है। 그리고 예수님께서는 하나님께로 나아갈 수 있는 길을 여신 분이에요. और मसीह यीशु ने जो खुदा से मिलने वाली राह है वो हमारा नबी बनकर है, वो राह उसने खोली और हमें खुदा बाप से हमारा मिलाप करवाया है। 여러분 하나님과 인간 사이에는 죄로 말미암아 절대 인간이 하나님께로 나아갈 수 없었어요. और इसीलिए कि हम जो इंसान है खुदा से मिल नहीं सकते थे, इसीलिए खुदा ने एक सच्ची राह हमारे लिए खोली। 여러분 만약에 섬과 섬이 있는데 다리가 없으면 건너갈 수 없잖아요. तो अगर अगर दोनों तरफ से थम लगे हों और बीच में दरमियान में दरिया हो और ऊपर पुल ना हो तो आप कैसे गुजर के दूसरी साइड पे जा सकते हैं। इसलिए कि तमाम लोग गुनाहों में थे, तमाम लोग शैतान में थे और गुनाहगार तो खुदा के पास जा ही नहीं सकते, इसलिए खुदा से तमाम लोग खुदा से दूर थे। और इसीलिए के वो मसीह यीशु ने अपनी जान देकर हमारा नबी बनकर उसने वो राह खोली ताकि हम उसी के वसीला से उसी की कुर्बानी के वसीला से खुदा बाप से हमारा मिलाप हो सके। तो इसीलिए जो आप एवेंजेलिज्म स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको मसीह यीशु के बारे में मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए। 여러분 머릿속으로 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 내가 가져야 된다는 거예요.
ये नहीं है कि मुझे बस जहनी तौर पर दिमागी तौर पर मुझे पता है, आपकी ये बात दिल में आपके अंदर होनी चाहिए। 여러분, 저는 이 말씀을 전하기도 하지만 또 들을 때도 있습니다. तो मैं ये लोगों को बताता भी हूं, तो मैं सुनता भी हूं इस बात को। 근데 한번 듣고 두번 듣고 세번 듣고 네번 듣고 지루하지 않아요. लेकिन मैं इसको एक दफा सुनू, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, सारी दिन भी सुनता रहूं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे कुछ नहीं होता, मैं सुनता रहता हूं, मुझे मजा आता है।왜이 말씀이 내 안에 믿어지고 사실적으로 내가 가지고 있기 때문에 그래요. इसलिए कि इस कलाम पर मैं मानता हूं, इस कलाम ये कलाम मेरे अंदर होता है, इसलिए मैं इसमें मुझे मजा आता है, खुशी महसूस होती है ये सुनकर। 아니 나의 모든 삶 가운데 영적인 저주와 정신의 저주와 생활의 저주와 육신의 저주와 내세의 저주와 가정의 저주로 고통받는 사람이 너무나 많아요, 내 주변에. 이슬리에 के मेरे इर्द गिर्द जो है वो रूहानी बीमार और जिस्मानी बीमार, जहनी बीमार, हर तरह के लोग बिखरे पड़े हैं, और मैं उनमें से निजात याफ्ता हूं, मुझे खुदा ने बरकत बख्शी है, तो मुझे फिर जानने का हक है कि मैं कौन हूं।여러분, 그런 사람들 보면은 이 말씀이 생각나요. तो जब मैं उन लोगों को देखता हूं, तो मुझे ये खुदा का कलाम जो है वो मुझे मुझमें आ जाता है, मुझे वो नजर आता है하나님을 떠나서 저렇게 살 수밖에 없구나. कि अगर मैं खुदा से दूर रहूंगा तो ये जिंदगी है, इस तरह हम जिंदगी खुदा के बगैर इंसान इस तरह जिंदगी बसर करता है।죄로 말미암아 저 고통 가운데 살 수밖에 없구나. ये गुनाह की वजह से लोग इन मुश्किलात में, दुखों में गिरे हुए हैं,마귀가 지금 저 사람들을 속이고 있구나. ये शैतान जो है उनमें इस वक्त समाया हुआ है। 저기 아프가니스탄의 탈레반도 지금 마귀가 저렇게 속이고 있는 거야. 이시 तरह जो टेररिस्ट जो लोग हैं, जो लोगों को कत्ल करते हैं, वो तमाम शैतान के हाथों में खेल रहे हैं,여러분, 그들에게 필요한 것이 뭡니까? और उनको उनकी जरूरत की क्या चीज है, उसे किन चीजों की उनको जरूरत है,여러분, 정말로 그런 사람들에게 필요한 것이 뭐예요? 그 उनको जरूरत किन चीजों की है, क्या उनको हमें देना चाहिए, किस चीज की जरूरत है, 모든 문제 해결자 예수 그리스도. और तमाम मसाइल का हल मसीह यीशु, हमें हमने उनको देना है, 모든 저주와 고통을 해결할 분 오신 예수 그리스도. 그 तमाम मसाइल का हल, दुखों से निकालने वाला मसीहा, हमने उनको देना है, कि예수 그리스도가 내 안에 있어요. और वो मसीह मेरे अंदर मौजूद है। 그렇기 때문에 이 말씀을 드릴 때마다 은혜가 되고 새로운 힘이 돼요. और जब मैं इस कलाम को सुनता हूं, मेरे अंदर एक नई कुवत आ जाती है, 그리고 이 말씀을 다른 사람에게 담대하게 신고할 수 있어요. और मैं इसको बड़े प्राउड तरीके के साथ, फखर के साथ लोगों को बयान कर सकता। 우리 사랑하는 전도학교 학생들 여러분들, 이 말씀을 가지시길 바랍니다. मेरे अजीजों, जो आप कलाम को सुन रहे हैं, इस कलाम को अपने अंदर रखकर आपके लोगों के पास जाना, इस मैसेज को 정말로 가지고 기도하시길 바래요. 예, खुदा आप सबको इसको अपने अंदर और इस पर दुआ करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 여러분들의 민족과 여러분들의 가정과 가문을 위해 기도하시길 바래요. 예, खुद आपको अपने लोगों के लिए, आपके खानदान के लिए क्या है, दुआ करनी चाहिए। 이렇게 옷을 치더라고요. 여러분, 이 예수 그리스도를 그 사람들에게 알려주는 게 전도입니다. और ये बात दूसरों तक पहुंचाना ही एवेंजेलिज्म है, मुनादी है, प्रचार। 그들의 예수 그리스도가 정말로 그들의 주인이 되도록 영접할 수 있도록 알려줘야 돼. और उन्हें मसीह यीशु को अपना खुदावंद बनाने के लिए, उन्हें मसीह को कबूल करने का हमें बताना चाहिए कि किस तरह हमने मसीह को कबूल करना है। 오직 예수 그리스도만이 당신의 죄를 위해 십자가에 죽었다고 알려줘야 돼. 또 아무고 बताना चाहिए कि आप सब के लिए मसीह यीशु ने अपनी जान जो है कफारे में दी है। 오직 예수 그리스도만이 당신을 사랑하시기 때문에 그 모진 고통을 당했다고 알려줘야 돼. 또 아무고 बताना चाहिए कि आपके प्यार की खातिर मसीह यीशु ने अपनी जान दी है। 여러분, 전도라는 것이 뭡니까? 예수 그리스도를 알려주는 거예요. एवेंजेलिज्म, मनादी, प्रचार है क्या? जिस चीज को आप जानते हैं, उस चीज को लोगों को बताना, यानी कि मसीह को जानते हैं तो मसीह का बयान उनके सामने करना। 그리고 그들의 마음이 열릴 수 있도록 기도해 줘야 돼. 또 हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा उनके दिलों को खोले। 마음을 열어 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 기도해 줘야 된다는 거예요. तो ये है कि जब दुआ करते हैं कि उनके
दिलों को खुदा खोले ताकि वो भी मसीह यसू को कबूल करे 그리고 그들이 예수 그리스도를 믿고 고백할 수 있도록 도와줘야 됩니다. तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो खुदा किस तरह उन्हें कबूल करे और वो किस तरह खुदा के सामने हाजिर हो और यीशु मसीह को कबूल कर सके 정말로 진심으로 예수 그리스도를 영접해서 하나님의 자녀가 될 수 있도록 우리가 만드는 것이 전도라는 거예요. तो उनको सच्चे दिल से मसीह यीशु को कबूल कर सके हमें ये कलम मनादी के जरिए प्रचार के जरिए उन लोगों को ये सिखाना है बताना है तो तभी हम इन तमाम चीजों को जान सकेंगे जानेंगे तो हम उनको जाकर बताएंगे और यही नहीं है कि हमने जानना उनको बता देना है यही काफी नहीं है 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 영접하면은 하나님의 자녀가 됐다는 것을 알려줘야 돼요. 그러면 이게 बताना चाहिए कि आपने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, आपने मसीह को हासिल कर लिया है, उस पर ईमान ले आए हैं, तो आप खुदा के बेटे और बेटियां खुदा के फर्जंद बन चुके हैं. 여러분 모든 인간들은 다 마귀의 자녀예요. 그 इसलिए कि तमाम दुनिया में जो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते वो सब अबलीस के शैतान के फरजंद है वो शैतान के फरजंद है इसलिए दुखों में तकलीफों में लानतों में उनकी जिंदगी जो है वो बसर होनी होनी है तो हमें बताना चाहिए कि किस तरह खुदा शैतान के फरजंदों की लानते ये हैं और खुदा के जो फरजंद होते हैं उनकी बरकत क्या है 그리고 하나님 자녀의 축복을 반드시 얘기해 줘야 됩니다. 우리 하나님의 프르산도의 그 버카트는 뭐 उनको हमें बतानी चाहिए. 여러분 하나님의 자녀의 축복이 뭔가요? और खुदा के जो फरजंद है उनकी बरकात क्या? 어 하나님의 자녀가 되면 돈이 많이 들어옵니까? तो क्या हम जब खुदा के फरजंद बनते पैसा बहुत आ जाता है? 세상에서 성공하게 됩니까? और वो हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं. 물론 하나님은 그럴 수 있는 분입니다. 어, 예, 구다사 무슨 갈 수가 해? 그러나 하나님의 가장 축복, 하나님 자녀의 가장 큰 축복은 그 창조의 하나님, 전능하신 하나님이 나와 함께하고 있다는 거예요. और सबसे बड़ी बरकत है जो खुदा अपने बच्चों को अपने फरजंदों को बेटों बेटियों को देता है वो ये है कि खुदा उनके साथ रहता है 하나님의 영이신 성령이 나와 함께하고 계시다는 거예요. खुदा जो है वो रूल कदुस के जरिए पाक रूह के जरिए हमारे साथ रहता है तो ये मत्ती की इंजील उसमें साफ लिखा हुआ है कि दुनिया का आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है इसलिए तुम सारी कुनी दुनिया में जाकर उनको शागिर्द बनाओ उनको ये तलीम दो कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो खुदा के फरजंद होते हैं खुदा उनके साथ रहता है 우주 만물의 주인이시요 창조자이시요 전능하신 그분이 하나님의 자녀 우리와 함께하고 있다는 거예요. 저 दुनिया का खालिक और मालिक है जो पूरी कुदरत वाला खुदा है वो खुदा अपने बच्चों के साथ रहता है. 그러니까 불안해하지 마시고 걱정하지 마시고 근심하지 마시고 두려워하지 않아도 돼요. तो इसलिए वो कहता है खौफ ना करो डरो मत ना घबराओ परेशान मत हो किसी बात की फिक्र ना करो. 왜요? 하나님이 우리의 삶을 인도하시니까. और इसलिए कि खुदा हमारी जिंदगी की रहनुमाई करता है हमारी मदद करता है. 여러분 우리는 내일이 무슨 일이 생길지 알지 못해요. हम नहीं जानते कि कल क्या काम हो जाएगा. 아니 오늘 이 전도 학교가 끝나고 나서 여러분들이 집에 돌아가실 때 무슨 일이 생길지 알지 못해요. जब आप यहां से एवेंजेलिज्म स्कूल खत्म करके अपने घर जाएंगे तो आपको भी पता नहीं कि क्या काम हो जाएगा. 그러나 하나님의 자녀는 성령이 인도하시다는 걸. और लेकिन खुदा का पाक रूह आपकी मदद करता है आपकी रहनुमाई करता है. 그리고 그 사람의 삶 가운데 성령이 역사하세요. और उनकी जिंदगी में जो खुदा की जो मदद है वो उनके अंदर होती है.
여러분 이거보다 큰 축복이 어디겠습니까? तो मुझे बताएं कि इससे ज्यादा बड़ी बरकत और कहां मिल सकती है? 여러분 마귀의 자녀는 마귀가 함께하고 있고 마귀가 인도하고 있고 마귀가 역사하고 있다는 거예요. कि शैतान के जो फरजंद होते हैं इब्लीस उनके साथ होता है बदरुए उनकी रहनुमाई करती हैं 그러나 하나님의 자녀는 성령이 함께하고 있고 성령이 인도하고 있고 성령이 역사하고 있어요. तो हम देखते हैं कि जिन जो खुदा के फरजंद होते हैं पाक रूह उनके साथ होता है उनकी मदद करता है उनके साथ रहता है 그리고 하나님의 자녀에게는 기도의 축복을 주셨습니다. और खुदा ने अपने बच्चों के लिए जो दुआएं मांगते हैं उनकी बरकत दुआओं की बरकत भी खुदा उन पर नाज़िल करता है 여러분 우리가 기도할 때에 우리의 지역과 우리의 가문의 역사는 마귀는 떠나가는 거예요. और जहां जहां हम दुआ करते हैं वहां पर शैतानी अंधेरा खत्म हो जाता है शैतान की ताकतें अबलीसी कुवतें खत्म होती जाती है तो हमरीगा 기도할 때 천군 천사를 동원해서 우리를 지키십니다 और जब हम इधर उधर जाते हैं खुदा के फरिश्ते आसमानी मददें हमारे लिए आ जाते हैं 여러분 정말로 전 세계에 수많은 사건 사고가 많이 일어나요 कि दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे वाकयात रोज बरोज में जाहिर होते रहते हैं 너무나 가슴 아픈 일들이 참 많이 일어납니다. 또 बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर हमें दिली तौर पर अफसोस होता है. 저는 세 아이의 아버지이자 목사입니다. 또 मेरे 3 बच्चे हैं जिनका मैं बाप. 그래서 어린 아이들이 어떤 교통사고로 죽는 걸 보면 너무나 마음이 아파요. जब मैं छोटे बच्चों को किसी मुश्किल में देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है. 여러분 그 부모님의 마음이 얼마나 아프시겠습니까? तो आप सोचे जिन बच्चों के साथ को हादसा पेश आता है वो माँ बाप जो है वो कितने परेशान हो गए उनको कितना दुख हुआ हो तो मैं हर वक्त जो है वो बच्चों के पीछे पीछे तो भाग नहीं सकता और इसीलिए हम उनके लिए दुआ करते तो खुदा की पूरी कुव्वत को लेकर खुदा की इस शनाखत को लेकर दुआ किया कर तो जब आप अपने लिए अपने घराने के लिए खानदान के लिए अपनी कौम के लिए अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा आप सबको बरकत देता है फरिश्ते मुतहरक कर देता है ताकि वो आपकी मदद करे खुदा जो है वो उनकी हफाजत व निगाहबानी करता है आपको ईमान के जरिए जो है वो दुआ करनी चाहिए जब हम खुदा के फरजंद होते हैं अगर खुदा में रहते हैं अब भी मर जाएं तो हम आसमानों में खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे तो खुदा की बादशाही या जन्नत कैसी होगी सिर्फ़म도 없고 고통도 없고 아픔도 없는 것이 천국이라고 성경은 얘기합니다 और कहता है कि वहां पर ना दुख होगी ना कोई बीमारी होगी ना कोई तकलीफ होगी और वो ही जन्नत है तो आपको वहां पर कैसे वहां खुदा के लोग और मसीह यीशु होगा और आप सोचा करें बारे में